हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा आज आपको मैंगो मस्तानी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। वैसे तो यह पुणे की फेमस डिश है, पर इसे सारे देश में बहुत पसंद किया जाता है। गर्मियों के सीजन में यह रिफ्रेशिंग ड्रिंक का काम करता है। इसे बनाना बहुत आसान है। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 पके हुए आम, 1 गिलास फुल फैट ठंडा मिल्क, 3 चम्मच चीनी, 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम, 8 से 10 आइस क्यूब्स, और साथ ही मैंगो मस्तानी को गार्निश करने के लिए 15 किशमिश, 2 पिस्ता बारीक कटे हुए, 2 काजू बारीक कटे हुए, 2 बादाम बारीक कटे हुए। सबसे पहले मैं तीनों आमों का छिलका निकाल दूंगी और पल्प अलग कर लूंगी। 2 आमों के पल्प का उपयोग मैं शेक बनाने में करूंगी, जिसे मैं बड़े पीसेस में काट लूंगी, और 1 आम के पल्प का उपयोग मैं मैंगो मस्तानी को गार्निश करने में करूंगी, जिसे मैं बारीक पीसेस में काट लूंगी। आम कटने के बाद पल्प कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं मैंगो मस्तानी के लिए शेक तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मिक्सर के जार में 2 कटे हुए आम का पल्प, 1 गिलास चिल्ड दूध, आइस क्यूब्स और चीनी डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ। शेक बनकर तैयार है। शेक को हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। शेक की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं शेक को 2 आइसक्रीम बाउल में सर्व करूंगी। उससे पहले मैं दोनों आइसक्रीम बाउल में 1-1 चम्मच कटा हुआ पल्प डाल देती हूँ। अब मैं दोनों बाउल में शेक डाल देती हूँ। मैं 1-1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम डाल देती हूँ। अब मैं इसे कटे हुए पल्प, किशमिश, बादाम, पिस्ता और काजू से गार्निश कर देती हूँ। मैंगो मस्तानी बनकर तैयार है। मैंगो मस्तानी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मियों के सीजन में एंजॉय करें और अपने बॉडी को रिफ्रेश रखें। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।